Now see here, type two sums. Question number 13, 14 sums. There are some type two sums. Now what is the difference between these sums here? Here in so far we are given x mu, that is x is value, mu is what? Mean and standard deviation. These three are given. From that we find z. If anything is missing, we won't be able to find z. And then we use table, and from table we get area. And from area we get expected persons. कैसे मिलता है? Area into total persons, है ना? ये हमारी theme है पूरी, बराबर? अटे 6, 13 sir, of a large group of men, 13 मतलब पहले 14 बना, given a normal distribution with mean is how much? 50 and standard deviation is 10. What? Find the value of x. Find the value of x. Now you, in the beginning you want x bar, standard deviation and x, no? Yes. You will find the value of x. That has 13% area to its left. Now here, this is a problem here. Mean is how much? Standard deviation is 10. X we don't know. Now X can be either below mean or above mean. X has 13% area to the left. X is a value, this is mu, huh? Mean. X is a value which has area of 13% to its left. Tell me where will be X? This side or this side? X cannot be here, Q. If X is here, then to the left of X, left side of X, will be more than 50%. X के left hand side पे सिर्फ 13% है. अगर X इसको cross करता है, तो X यहाँ पे होगा suppose, तो उसके left में area बहुत ज़्यादा हो जाती है, more than 50% होता है. So here we have what? How much area they have told? 13%, है ना? तो यहाँ पे कितना होगा? 0.37 होगा. कैसे? ये दोनों मिला के 0.5 होता है. Now here area is given. What is given? एरिया इज गिवन. नाउ टेक द टेबल एंड फाइंड जेड. उल्टा जाने का, एरिया से टेबल में जाने का, जेड पे जाने का. ओके, नाउ 0.37 यू विल सर्च हियर, नॉट, डोंट टेक 0.37 हियर. एरिया इज 0.37. सी हियर, दिस इज 32, दिस इज 33, 34, दिस इज 3686, दिस इज 3708, नो? तो 1.13 ऑलमोस्ट है कि नहीं? 1.13 इतना लेंगे ना. 0.3708 एंड 0.3686, तो यू कैन टेक 1.12 पे कितना है? 3686 एंड 0.3708, नो? 0.37 है, 3729 है. तो यहाँ पे z क्या आता है? 1.12 लेंगे. 1.125. अच्छा, इन दोनों के बीच में है, में तो चलो बीच में ले लो, 1.125 ले लो. ओके, तो z क्या आएगा यहाँ पे? 1.125. इसका मतलब क्या है कि x और मीन के बीच में कितनी दूरी है? 1.125 स्टैंडर्ड डेविएशन. Anyway, you can do by two methods. See here. You know z is equal to x minus mu upon. Here z has to be negative. Yes. Z is minus 1.125 is equal to x minus 50 upon 10. Okay. So minus 1.125 into 10 is equal to x minus 50. So 50 minus 10 into 1.125 is equal to x, no? Yes. 50 is equal to
50 माइनस 11.25 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 38.75. एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 38.75. 1 मिनट, तुम लोगों को ये पता चल गया था ना, तो ये सब इतने स्टोरी करने की जरूरत नहीं थी। मेरे को बताओ, एक्स मीन से बाहर, मीन से कम था कि ज्यादा था? कम था। तो एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 1.125 स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों की दूरी क्या है? हाउ मच इनकी दूरी कितनी है? 1.125 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भाई 50 से 11.25 माइनस करो तो 38.25, ओके 38.7। दूसरा क्या पूछा इन्होंने? 14% एरिया टू द राइट, एक्स के क्या है? राइट में 14% एरिया है। तो ये फिर से हम करेंगे, दूसरे पेज पे करेंगे, ओके। ये क्या है बोलो, क्या आएगा जरा? 50 फिर 0.12, ट्रांजिशन कितना है? 10 है। एक्स यहाँ पे हो सकता है? नहीं। अगर एक्स यहाँ पे होगा तो उसके राइट में मोर देन 50% होगा कि नहीं? तो ये नहीं हो सकता है ना। अगर यहाँ होगा तो एक्स के राइट में मोर देन 50% होगा, बट यहाँ बोला एक्स के राइट में सिर्फ 14% है कि नहीं? तो ये एक्स है, ये 0.14 है, ओके 0.14 है। तो यहाँ पे कितना होगा? 0.36। 0.36 के सामने एरिया देखो, 0.36 ये रहा 3599, 1.08 लोग, ये ऑलमोस्ट 0.36 है यार, कुछ है नहीं है ना, उसके लिए इतना पॉइंट 1.08 है ना। तो यहाँ पे जेड क्या होगा? जेड विल बी हियर 1.08। कहाँ पे 1.08 होगा? किधर? इस साइड है ना? ना तो एक्स मीन से ज्यादा है कि कम है? मीन से ज्यादा है। मीन प्लस 1.08 स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। 50 प्लस 1.08 स्टैंडर्ड डेविएशन, 50 प्लस 1.08 इंटू कितना है? 10 इंटू 10, दैट इज 60.80 इज द आंसर, ओके। फॉलो दिस और नो? तो ये थे एक्स निकालने का, एरिया से टेबल निकला, जेड निकला क्या? फिर ये कब होता है? जब लोग बोलते हैं फाइंड एक्स, एक्स बार या स्टैंडर्ड डेविएशन से फाइंड करने बोलेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज अवेलेबल होती है हमारे पास, तो सीधा सम होता है। हम जेड पे आते, जेड से टेबल जाते, टेबल से एरिया जाती है, लेकिन ये तीनों में से फाइंड करने का। ये हो गया 14 सम, ओके 12 इज ऑल्सो ओवर, 13 वी आर डूइंग इट नाउ। ठीक, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल 9.85% आइटम्स आर व्हाट? अंडर 40 and 89.97% of the items are what? Under 60. What is the mean and standard deviation? मैंने बताया था reverse problem को कैसे पता चलता है, mean, x और standard deviation, इसमें कुछ भी पूछा होगा, इसमें तो दो दो चीज पूछी है क्या? mean and standard deviation, 9.85 and 89.97 ना, see है, mean का पता है इस time? ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मीन पता नहीं है,
है ना, मीन का पता ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 प्रॉब्लम में ना, तो पहले 17 नंबर इसलिए 17-18 बोला, ओके गाने के लिए नहीं बोला मैंने, एक से समझा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता नहीं तुम लोगों को, लेकिन दो बातें बताए क्या, पहला सेंटेंस क्या, 9.85% ऑफ द आइटम्स आर व्हाट, अंडर 40, मतलब 40 एक है, 40 के नीचे कितने लोग हैं, 40 के लेफ्ट साइड कितने, 9.85, तो 40 यहां होगा कि यहां होगा, 40 मीन के बाहर होगा, आगे होगा कि मीन के अंदर होगा, सपोज ए साइड होगा कि बी साइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो 40 कहाँ होगा, ए साइड होगा, क्योंकि अगर 40 बी साइड होगा तो उसके नीचे तो मोर देन 50% लोग होंगे उसके नीचे, है ना, अगर एक्स यहीं के में होगा तो एक्स 40 हैज टू बी हियर, यहाँ पे कितना है 0.0985 है ना, तो ये जो होगा 0.4015, कैसे आया 0.05 माइनस 0.0985 इज इक्वल 0.4015, ये हो गया कि नहीं, नो 0.4015 क्या होगा, ये इधर एरिया, ये मिला आपको एरिया, एरिया से जेड निकालना है, 0.4015 40 408 40 1.29 एग्जैक्टली आया 1.29, देखिए यहाँ पे, ये देखो ये स्क्रीन पे 1.29, ओके तो आया कहाँ से आया है, ये है z इज इक्वल टू माइनस 1.29 है ना, बराबर। अब इसको दो मेथड से कर सकते, पहला इक्वेशन बनेगा सुनो कैसे, एक तो माइनस 1.29 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, इज इट, सॉरी 40 माइनस म्यू एक्स बार, 40 माइनस एक्स बार लिखो, माइनस 1.29 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स बार लिखो अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बार माइनस 1.29 स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 40, और ये सही भी है ना, बताओ 40 मीन से कम है कि ज्यादा है, मीन से कम है, और मीन से कितना दूर है वो, 1.29 स्टैंडर्ड डिवीजन, तो एक्स बार में से 1.29 स्टैंडर्ड से निकाल दोगे तो आप मीन पे पहुंचोगे, इक्वेशन नंबर वन हो गया। दूसरा क्या बोला है उसने आगे, ये फिर से एक्स बार लिया हमने, 89.97 आर अंडर 60, तो ये ए पार्ट और बी पार्ट, 60 कहाँ होगा बताओ, 60 यहाँ होगा, और 60 के यहाँ से यहाँ 89% नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी एरिया कितनी परसेंट है, 0.8997 कहाँ से कहाँ, ये से लेकर यहाँ तक ना पूरी एरिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तो 0.5 है, तो ये क्या होगा 0.3997 है ना, एरिया x और 60 के बीच में कितनी एरिया है, 0.8997, तो यहाँ से एक पूरी एरिया है, पूरी यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक नहीं, पूरी यहाँ तक है ना, यहाँ तक, तो ये यहाँ से मीन से इन दोनों के बीच में कितनी एरिया, 0.3997, और ये पूरी एरिया स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक है 0.8997, और ये यहाँ से यहाँ होगी 0.5, ओके ऐसा समझ में आया। अब z क्या है 0.3997 पे, तो 60 और इसके बीच में ये z है 1.28, मतलब 60 मीन से बड़ा है कि छोटा है, 60 मीन से बड़ा है, तो x बार प्लस 1.28 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 60, और पहले x बार माइनस 1.29 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 40 ये था। अब क्या हो रहा है, x एक साइन चेंज हो जाएगी, तो आएगा 2.57 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 20, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय
7.78 7.78 ओके सब्स्टिट्यूट करो 1.29 इंटू 7.78 है ना, इसको उधर जाके फेंक देंगे प्लस 40 ना, तो x बार क्या आएगा अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो x बार विल बी 50.03 दैट इज 50 अप्रोक्सीमेटली, समझा x बार क्या है 50 है, x बार इज 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7.78, कॉपी करोगे यस सर, लिखो